إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقينا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه. وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امين. الحمد لله اج 14 जनवरी 2024 को संडे के दिन हमारी यह कुरान क्लास नंबर 172 होने जा रही है आज ताला हम सूरतुल हिजर से स्टार्ट लेंगे सूरत नंबर 15 है और यह भी मक्की सूरत है सूरतुल हिजर पारा नंबर तेरह के एंड से स्टार्ट होकर पारा नंबर चौदह में मुकम्मल होती है चूंकि पारों की तकसीम ना तो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने खुद की ना साहबा कराम ने तो उसकी वजह से ये एक मिस हैंडलिंग हुई कि सूरत हजर की सिर्फ एक आयत पारा नंबर तेरह में है और बाकी उसकी नाइन्टी एट आयात टोटल नाइन्टी नाइन है अट्ठानवे आयात जो है वो पारा नंबर चौदह में है और सिर्फ पहली एक आय जो है वो पारा नंबर तेरह के अंदर है अब इसके पीछे क्या हिमत थी वो हमें नहीं पता लेकिन ये एक बहुत बड़ा इस एतबार से आप समझ लें ड्राबैक है उन लोगों का जिन लोगों ने पारों की डिवीजन इस एतबार से कर दी है जहां तक कुरान की मनाजिल का सवाल है तो वो भी साहब इकराम के दौर में थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज किया गया पुराने हकीम के तारुफ पे मेरे छह लेक्चर्स हैं उनमें मैंने इस हवाले से तफसीली डिस्कशन की थी सूरतर आए और ये टॉपिक डिस्कस ना हो कि ये कैसी तफरीक है कि नाइनटी नाइन आयात थी एक सूरत की एक आयत को आपने एक पारे में रखा और बाकी सारी आयात को अगले पारे में शिफ्ट कर दिया इसको भी आगे शिफ्ट कर देते एक लाइन से क्या एडवांटेज ले लिया कोई एडवांटेज नहीं लिया सवाए इसके के इसकी खूबसूरती डिस्टर्ब होगी इस तरह की मिस हैंडलिंग रुकूओ में नहीं हुई हुई रुकू में आपको मिलेगा कि एक पारे से रुकू शुरू होता है जब तक वो टॉपिक मुकम्मल नहीं होता वो अगले पारे के अंदर जाके जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो रुकू भी वहां पे जाके मुकम्मल होगा इसका भी आप देख ले पहला रुकू तो जाहिर है पारा नंबर तेरह से स्टार्ट हुआ और चौदह नंबर पारे के अंदर जाके मुकम्मल हुआ रुकू की जो इस एतबार से डिवीजन है वो बड़ी अच्छी हुई है एक सब टॉपिक चल रहा होता है सूरतुल हिजर के स्टार्ट के अंदर ही अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान की हैं और स्पेसिफिकली इस्लाम की दावत के हवाले से भी कुरान का मुआजा होना इसे भी जिक्र किया और जो कुफ़ार की तरफ से एतराज़ा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के ऊपर उसे अड्रेस किया और इसी में वो शोरा आफाक आयत आती है आयत नंबर नाइन लहू लहजू बेशक इस या दहानी कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं और फिर इसके बाद अल्लाह तआला ने जो फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर हैं उनके जरिए अपना तारुफ करवाया है वो भी बड़े अच्छे अंदाज में दूसरे रुकू के अंदर आएंगे और फिर तीसरा जो रुकू है उसके अंदर आदम और इबलीस बयान हुआ है तफसील के साथ हकीम में सात मकाम पर किस्से आदम और इबलीस आया उनमें जो टॉप ऑफ लिस्ट समझ लें चार मकाम है उनमें से एक सूरत हिजर भी है इसके बाद सूरतुल बकरा सूर सौद और सूरतलराफ में तो बहुत ज्यादा तफसील है और फिर सूरह बनी इसराइल में भी थोड़ा सा जिक्र है सूरतुलगाफ के अंदर और सूरत ताहा के अंदर बहरहाल जो डिटेल्ड जिक्र है वो जिन मकाम पर आए उनमें से सूरतुल हिजर भी है और इसमें चंद एक यूनिक चीजें भी डिस्कस हुई हैं जो बाकी मकाम पर नहीं है तो इन शह जब आएगा तो मैं उसे डिस्कस करूंगा आऊदबिल्ला शीम बिसमिल्लामानीम फ रॉ ये हरूफ मुकत्तात है तिलका आयातुल किताब इब क़ुरान इमुबीन ये आयतें हैं अल्लाह की किताब की और रोशन कुरान की इसको आप यू तर्जमा कर सकते हैं कि ये किताबें हैं अल्लाह की आयात की यानी के कुर मुबीन की वाओ wow, एक तफसील के लिए भी आ सकता है और अगर लोह महफूज के साथ आप इसे जोड़े तो जाहिर है कि लोहे महफूज वो अलकताब है बल हुआ कुरान मजीद फी लोह महफूज जिसमें असल कुरान रखा हुआ है उसी लोहे महफूज में से यह कुरन नाजिल हुआ और बाकी इलामी किताबें भी नाजिल हुई तो कुरान हकीम की जो आयात है ये अलकताब यानी नी लोयूस की आयात भी है और इस रोशन कुरान की भी है रुबामादुलना कफरू लऊ कानू मुसलिम एक वक्त वो भी आने वाला है कि जब काफिर ये तमन्ना करेंगे काश वो दुनिया में मुस्लिम होते ये क्यामत के दिन जब वो अजाब अपनी आंखों से देख लेंगे तो उस वक्त ये तमन्ना करेंगे क्या सोजो गुदाज है इस आयत के अंदर कि वो वक्त भी आने वाला है कि ये लोग तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में मुस्लिम होते हैं यानी आज तो ये पैगम्बर को धमकियां लगा रहे हैं आज ये अहल ईमान को ईमान लाने की पादाश में तकलीफें दे रहे हैं लेकिन एक वक्त आएगा जब ये खुद अजाब इलाही को देख लेंगे अपनी मौत के वक्त या आखिरत में तो ये भी तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में मुस्लिम होते सरे तस्लीम खम कर देते मेरे ख्याल है मुसलमानों को भी अपने ऊपर ये आयत फिट करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि दुनिया में जो लोग अपने फिरकों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और फख्रिया अपने आप को फिरकों के साथ मंसूब करते हैं कहीं क्यामत के दिन यह भी ना कहें कि काश हम दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं और अपने आप को फिरकों में मंसूब न करते जरुम या अकुलू व या तबत तारू ए नबी इनको इनके हाल पर छोड़ दें खाएं पिए जो दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको मता दिया है उसे इस्तेमाल करें व युल ही, ही मिल अमनूफ या आलमून और ये जिन कामों के अंदर बशगल है तूले अमल का शिकार हैं गफलत में झूठी उम्मीदों में ये इसी में सरगर्दा रहे करीब ये इसका अंजाम जान लेंगे यानी ये आखिरी दर्जे का गुस्सा है जब किसी के ऊपर अल्लाह ताला मोर लगा देता है ना उसके बारे में फिर ये डिसीजन हो जाता है कि अभी अब इनको इनके हाल पे छोड़ दें ये खाएं पिएँ याशी करें दुनिया में अपनी उसी खेल कूद के अंदर सरगर्दा रहे वही झूठी उम्मीदें लगा कर रखें करीब इन्हें पता चल जाएगा अचानक इनके ऊपर अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा जब आएगा वमा अहलकना इल्ला मालूम और नहीं हलाक किया हमने किसी भी बस्ती को मगर यह कि उसकी हलाकत का वक्त अल्लाह ताला के हां मुकर्रर था लिखा हुआ था जो अल्लाह को मालूम था यानी इस्लाम को उनके साथियों को भी यह तसली दी जा रही है कि ये जो आपको बार बार कहते हैं ना कि क्यामत के दिन का अजाब आ क्यों नहीं जाता और अंबिया कराम के इनकार करने के ऊपर जो अजाब आता है वो हम पर क्यों नहीं ए नबी तुम ले आते तो इनको बताओ कि वो अल्लाह के यहां मुकर्र है जब अल्लाह चाहेगा वो अजाब आएगा और जब अल्लाह नहीं चाहेगा वह अजाब इसी तरीके से डिले होता रहेगा क्योंकि अल्लाह के यहां तो उसका टाइम और वक्त तारीख दिन भी मुकर है हर शख्स का इंडिविजुअल अजाब उस दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन उसकी मौत आ गई फिर आखरत का अजाब भी है और दुनिया में भी गजब बदर की शक्ल में अजाब तो आया मुशर अरब के ऊपर मा तस्बिक उम्मत इन आजाला व मा यून कोई भी उम्मत ना तो आगे बढ़ सकती है ना पीछे रह सकती है जो अल्लाह तला ने उनके लिए मौत का वक्त मुकर कर दिया है जो अल्लाह तला की तरफ से कुफार के ऊपर अजाब आने का वक्त है वो मुकर है अगली बस्तियां भी जब हला की गई तो वो एक सेकेंड के लिए भी ना डिले होता है और ना जल्दी अजाब आता है वो अपने वक्त के ऊपर आएगा अब ये अलग बात है कि नबी इस्लाम के केस में गजब बदर वहद ख के अंदर मुशर्कन अरब पर अजाब की किस्तें आई लेकिन जो बड़ा अज़ाब फतेह मक्का के दिन आना था वहां पर मुआफी की अनाउंसमेंट हो गई और फिर उससे अगले साल नौ हिजरी के अंदर सूर्य तोबा की आयात नाजिल हुई हजरत मुबकर सदीक रजी अल्लाह तमीर हज थे मौला सलाम को नबी सलम ने पीछे से भेजा कि जाकर मिना में मेरी तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दो क्योंकि अरब में कल्चर था कि करीबी रिश्तेदार की अनाउंसमेंट को उसकी तरफ से शुमार किया जाता था तो सूर तोबा की आयात उन्होंने तलावत की कि अब अगले साल कोई भी यहां पर काफिर हज के लिए नहीं आ सकता और चार महीने का टाइम है या तो ईमान ले आओ या फिर अरब की सरजमीन छोड़कर चले जाओ क्योंकि अल्लाह ताला ने अब अरब की सरजमीन को अपने लिए मखसूस कर लिया है अदरवाइज जहां पाए जाओगे कत्ल किए जाओगे ये वो अजाब इस्तीसाल था जो अंबिया के इनकार के ऊपर एंड पे कौमों पर आया करता था जिसके तहत फिरोनी डुबोए गए समुंदर के अंदर जिसके तहत कौमे हूद हलाक हुई कौम साले हलाक हुई और कौम लूत हलाक की गई इस तरह का अजाब हमारे नबी के केस में साहब कराम की तलवारें अल्लाह ने मुसलत की कुछ किस्तें तो उसकी आई जो बड़ी किस्त आने वाली थी उसकी नौबत ही नहीं आई लोगों ने ईमान कबूल कर लिया लेकिन है ये मक्की दौर की आयात हैं तो उस वक्त तो किसी को मुस्तकबिल नहीं पता था क्या होने वाला है वकॉलू या अयुह नुजिला अल जिक्र और ये काफिर कहते हैं कि ए वो शख्स पे उतारा गया है अ इन नकल मजनून बेशक तू तो मजनून है तेरा जेनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है बलेआ बिल्ला यहां पर कुरान के लिए इस्तेमाल हुआ तो काफिर तो बहुत कुछ कहा करते थे कुरान में आया कि वो ये भी कहते थे कि ये मजनून है जो यहां पे भी जिक्र आया इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ जो इसे पढ़ाता है ये भी कहते थे कि ये बाजारों में चलता फिरता है आम इंसानों की तरह खाता पीता है हालांकि ये तो ऐप वाली बात नहीं होनी चाहिए थी लेकिन उनका क्लेम ये था कि पैगंबर तो एक सुपर ह्यूमन होना चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज पाई जाती हो कि वो खाए पिए बगैर भी जिंदा रहे अब ये गलत डिमांड थी उसके अलावा ये कहते थे इसे परेशान ख्वाब आते हैं जो ये बयान करता है ये भी कहते थे कि ये शायर है ये भी कहते थे कि ये किस्सा गो है अगले लोगों की स्टोरीज इसने याद की हुई है या इसे कोई इमला करवाता है और वो अपनी जुबान में आके बयान करता है वो आदब ये वो सारी की सारी चीजें जो कुरान हकीम में मुख्तल जगह के ऊपर रिपोर्ट हुई हैं अब यह बातें सुनना इनके ऊपर सब्र करना यह पैगम्बर के लिए एक आजमाइश वाला मामला तो था तो अल्लाह तला साथ, साथ फिर तसली भी देता है यहां पर उनका एक इतराज नकल हुआ है कि जब वो मजरून कहते थे तो साथ कहते थे लउमा कि क्यों नहीं तू फरिश्तों को हमारे सामने ले आता अगर तू वाकई सच्चों में है यानी फरिश्तों को सामने लेकर आ कुरान तो सुनते थे उनकी जुबान में था उन्हें यह पता था अगली कौमें हलाक की गई तो वह डिमांड करते थे कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए अगली कौमों के ऊपर अजाब भेजा तो वो फरिश्ते क्यों नहीं नाजर होते हैं? यहां भी अजाब लेकर या तुम्हारे पास अगर फरिश्ते आते हैं वही लेकर तो हमारे सामने नजर आए हमें हम खुद देखें हमारी आंखों के सामने उनको लेकर आब अल्लाह ने इसके जवाब में क्या इशार फरमाया ये एतराज मुख्तलिफ जगहों पर आए नाम में भी गुजरा वहां पर कुछ और जवाब था वो सारे जवाब आप एक जगह जमा भी कर सकते हैं बाकी मेन जवाब यही है जो यहां पर आ रहा है मानुलता बिल हक अल्लाह तला जवाब दे रहा है रहे इस्लाम की तरफ से कि हम फरिश्तों को नहीं भेजते मगर हक के साथ बासद मा कानू एजम और जब वो फरिश्ते नाजिल होते हैं ना फिर मोहलत नहीं दी जाती काफिरों को यानी यहां पे ये पेश गोई थी कि ये जो फरिश्ते डिमांड कर रहे हो ना फिर फरिश्ते तो अजाब ही लेके आएंगे ये जो कह रहे हो ना फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते फरिश्ते आ गए तो फिर तुम गए तो ये फरिश्ते डिमांड करना बंद करो अल्लाह तला की तरफ से जो ढील है इसे गनीमत समझो अच्छा बास जगह पे ये जवाब भी आया जब उन्होंने एतराज किया कि इस्लाम के बारे में कि ये आम इंसानों की तरह एक इंसान है कोई फरिश्ता क्यों नहीं पैगंबर बना के आया सूर्य बनी इसराइल में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में पैगंबर भेजते चूंकि अब इंसान आबाद है तो पैगम्बर इंसानों में से आएगा अच्छा अगर फरिश्ता कोई आ जाता ना फिर उन्होंने ये कहना था कि ये तो फरिश्ता है इसे क्या पता कि भूख लगे तो किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है इसके साथ तो पेट नहीं लगा हुआ ये हमारे लिए कौन सा आइडियल बना दिया तो अल्लाह ताला के पास दो ही चॉइसेस थी इस हवाले से या तो इंसान पैगंबर होता या इंसान के अलावा कोई और मखलूक होती तो इंसान ही पैगंबर हो यही बेस्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि इंसान ही इंसान के लिए आइडियल हो सकता है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये जो फरिश्ते मांगते हैं ना तो फरिश्ते तो फिर किसी मकसद के तहत नाजिल होते हैं और फिर मकसद तुम्हारे हक हाँ में तो ये होगा कि तुम पर अज़ाब नाजिल होगा और गजब बदर में बुखारी मुस्लिम में आए फरिश्ते नाजिल हुए ओहद में भी नाजिल हुए फरिश्तों ने कितने काफ़रों को कत्ल किया हती के कि बुखारी में हदीस है हज़रत ज़िब्राइली इस्लाम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके हिसाब में सबसे अफजल कौन है तो नबीस्म ने कहा कि जो मेरे साथ बदर में शरीक हुए तो हज़रत ज़िब्रैल ने कहा कि हम फरिश्तों में भी सबसे अफजल फरिश्ते वो हैं जो बदर में आपके साथ शरीक हुए थे तो फरिश्तों के मुराते भी इस हवाले से है तो बदर में शरीक हुए और वो लोगों की तसली के लिए था अल्लाह को तो फरिश्तों की हाजत नहीं है पांच हजार फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा ये कुरान कीम में आया फिर अल्लाह तौ ने साथ ये कहा कि ये तो तदाद जो बयान कर रहे हैं तुम्हारी तसली के लिए बाकी मदद तो अल्लाह की तरफ से है अब वो शोर आफ़ाक आयत आ रही है सूरे अल हिजर की आयत नंबर नाइन इन्ना नहनू नजिक्र व इन्ना लहू ला देखें इसमें ताकीद क्या है इन्ना बेशक हमने ने हमने हम नजल ना हम ही ने नाजिल किया अस यादानी को व इन्ना और बेशक हम ही लहू ल हाफिजून जरूर बिल जरूर ल जरूर फिर जरूर आ गया इसकी हिफाजत करने वाले हैं हम पर भी जोर है हम का सीखा आप देख लें एक दो तीन दफा आया फिर चौथी दफा भी आया हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से ताक़ीद आई तीन दफा कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं और ताक़ीद आई तीन दफा कि बेशक हम ने हम ही ने इसे नासिल किया ये कुरान हकीम में वो मकाम है जो कुरान हकीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया उस कॉन्टेक्स्ट में शौरा फाक आयत जरवे सनाम यानी एपेक्स चोटी वो ये आयत है और यहां पर कुरान को अल्लाह ताला ने जिक्र फरमायानी याद दिलाने वाली चीज कुरान किसकी याद दिलाने वाली किताब है अल्लाह की अज़िक्र द रिमेंबर यानी ये वो किताब है जो याद दिलाती अच्छा आपको अगर किसी की याद दिलाई जाए तो उस शख्सियत की उस हस्ती की याद दिलाई जाती है जिसका तारुफ आपको ऑलरेडी मालूम हो लेकिन किसी वजह से आप भुला चुके हुए हो दुनिया में भी अगर आपको किसी ने कोई चीज गिफ्ट दी है ना और कभी अपने कमरे की सेटिंग के दौरान उसका वो गिफ्ट सामने आ जाए ना तो फौरन आपको याद आता है ये फुला ने दिया था यानी उसका तारुफ पहले आपके पास होता है वो गिफ्ट आपको याद दिलाता है कि ये मुझे किसी ने दिया था कुरान वो गिफ्ट है वो याद दहानी है जो हमारी इंस्टिंक्ट में अल्लाह ताला ने तोहीद डाल दी थी जो अल्लाह तला ने हमारी रूहों से अहद लिया था अलस्त बबी कुम आलू बला सूरत अराफ में आया सब ने कहा था कि ए हमारे रब बेशक तू ही हमारा परवरदिगार है तो हमारी यादों में कहीं दफन है ये चीज तोहैद उसे दोबारा से याद दिलाने वाली चीज जो है वो कुरान है कुरान अल्लाह तला का बेहतरीन जिक्र है जहिर अल्लाह तला का तारुफ इसके अंदर मौजूद है अल्लाह ताला की तारीफ इसके अंदर मौजूद है अब वो आया जिनमें अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि अल्लाह ताला को कसरत से याद करो वज्लाह करा अल्लाह ताला को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ तो अल्लाह का जो याद वाला मामला है अल्लाह का जिक्र वाला मामला है जिसमें हमारे दिलों का सुकून है जो हम पिछली सूरत में पढ़ चुके सूरे अर्राद के अंदर अला बिजर अल्ला कुलूब आगा हो जाओ बेशक अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है उसमें मैंने तफसीलीमोस्ट कोई चालीस मिनट की गुफ्तु की थी और बताया था कि अल्लाह ताला का जो टॉप ऑफ लिस्ट जिक्र है वो कुरान है अल्लाह की तारीफ भी है Allah को याद दिलाने वाली चीज है और जिक्र नसीहत के मानों में भी आता है नबील नबीलाम भी अल्लाह ताला की तरफ से जिक्र करने वाले हैं या दहानी करवाने वाले हैं वमा और का अला रहमत आलमीन वमा और का अला फी बशीर व नजीरा यानी यहां पे आया डर सुनाने वाला खुश खबरी देने वाला व वा मा हुआ इल्ला लिल आलमीन ये नबी तो नहीं है मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए इस्लाम के लिए भी आया कुरान के लिए भी आया अल्लाह का तारुफ करवाने वाले तो मैंने ये बताया था कि टॉप ऑफ लिस्ट जो जिक्र है वह फिर उसके बाद जो फरज हैं हम पर उनमें भी टॉप के ऊपर नमाज वह आकीम सलात जिक्री मेरे जिक्र के लिए याद के लिए नमाज को कायम रखना और बाकी जो जिक्र है जो हम उठते बैठते अल्लाह ताला को याद करते हैं उसका तो प्रोटोकॉल भी कोई नहीं अल्लादीना यद कुरून अल्लाह क्या रूद जुनू उठते बैठते करवटों पर लेटे Allah का जिक्र करते हैं अल्लाह को याद करते हैं सुबह शाम की दुआएं हैं वो भी जिक्र की एक फॉर्म है लेकिन टॉप ऑफ लिस्ट कुरान ये वो आयत है हिजर की आयत नंबर नाइन जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह तला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है लेकिन 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 सिर्फ अरबी टेक्स्ट की कुरान की तफसीर जो है उसमें कोई डंडी मार सकता है इसकी अरबी को कोई चेंज नहीं कर सकता और इस मॉडर्न वर्ल्ड में तो इसके तर्जमे को भी कोई चेंज कर ही नहीं सकता क्यों अब तो एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट करनी है वो कंप्यूटर करके देगा और कंप्यूटर ना ब्रेलवी है ना देवबंदी है ना अले दिस है ना शी है कंप्यूटर कंप्यूटर है वो अरबी लिंग्विस्टिक का जो अप्रोप्रिएट माना बनता है वह आपको बताएगा उसमें कोई डंडी नहीं मारेगा अब कुरान के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो तर्जुमा उसका बदल दे हाँ वो प्रैक्टिकली बदल भी दे कोई फर्क नहीं होगा पकड़ा जाएगा तफसीर जितनी मर्जी वो गलत लिखे पकड़ी जाएगी लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी पकड़ नहीं होगी कि कोई गलत इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है और उसके ऊपर कोई पकड़ आ जाए वह आपके लिए आजमाइश होगा लेकिन कुरने पाक का जो टेक्स्ट है ना इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है जिसका प्रैक्टिकल सबूत यह है कि जिन जिन लोगों ने तबाजमाई करने की कोशिश की उनकी कोशिश नाकाम रही इस वक्त भी दुनिया में लाखों में नहीं करोड़ों में तादाद है ऐसे लोगों की जो कुरान को हिफ्ज किए हुए हैं आप देखें कुरान जब प्रिंट होता है ना उसके एंड पे लिखा होता है कम अज कम चार पांच हफाज की तरफ से सिग्नेचर होते हैं कि हमने इसे हरफ ब हरफ पढ़ा है और ये बिल्कुल दुरुस्त है अच्छा ये किताब को हम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तुस्खे से जाके मैच नहीं करते जो टर्की में रखा हुआ है या रशिया में वहां की इसकी अप्रोच है और ये ले भी जाए तो मैच कर ही नहीं सकते उस पर तो जबर जहर पेश डले ही नहीं हुए हैं और वो तो एक दूसरे खाते में लिखा हुआ है वो जो यहाँ के लोग तो जानते ही नहीं है हुफाज की क्रैमिंग इसे महफूज बनाती है और वो उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं एक एक चीज की जो उन्होंने नस्ल दर नसल ट्रांसफर किया है नबीस्म ने साहबा को सिखाया साहबा ने ताबईन को तबा ताबइन को इस तरीके से ये सारी की सारी चीज ट्रांसफर हुई इजमा उम्मत से अमली तवातुर से कुरान की हिफाजत अल्लाह तला ने जो जिम्मा लिया इसको अल्लाह तला ने पूरा करवाया उम्मत के जरिए क्योंकि हमारे सामने तो कुरान हाजिर नहीं हुआ यह खिदमत अल्लाह ने उम्मत के स्पुर्द की बड़े बड़े लोग डंडियां मार के गए कुरान के किसी लफ्ज को चेंज नहीं कर सके आज हम गुमराह फिरकों को जो इतने इतमाद के साथ ललकारते हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ आप मुझे बताएं अगर कुरान तब्दील हो जाता तो इन्होंने तो हमारे दुनिया में छोड़े जाने से पहले ही अपनी मतलब की आयात बीच में दाखिल कर लेनी थी आज इनके लिए मुसीबत बनी हुई है ना उन्हें गलत कह सकते हैं वो कहते हैं नहीं तफसीर की बनती है तफसीर का फलाह आलिम ने लिखी हम कहते नहीं कुरान में तो ये लिखा हुआ है, भाग नहीं सकते और यही वजह है कि क्या मत वाले दिन हर शख्स अल्लाह की बारगाह में अकाउंटेबल है जो शख्स ये कोई गिला शिकवा कर सकता था ना कि मैंने वक्त के पैगंबर को अपने सामने नहीं पाया अल्लाह ने उसका गिला शिकवा दूर कर दिया पैगंबर का खलीफा वसी कुरान की शक्ल में क्या मत तक के लिए महफूज कर दिया नबील इस्लाम भी तो अपने बाद यही कुरान ही दे गए ना अगर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तला ना लेता तो फिर अल्लाह तला को पैगंबर भेजने पड़ने थे अदरवाइज अल्लाह तला की सिफ्त अदल चैलेंज हो जाती क्योंकि अगर मेरे तक तालीमात ही सही नहीं पहुंची है तो मैं अल्लाह के हजूर कैसे पकड़ा जाऊंगा अल्लाह तला ने इस चीज को इंश्योर किया कुरान को महफूज करके क्योंकि पैगंबर कोई नहीं आना था लिहाजा खत्म नबूत के ऊपर एक दलील यह भी है कि कुरान कोल्ला ने महफूज कर दिया लोग कहते हैं अगली किताबें इल्हामी क्या वो लाडली किताबें नहीं थी बिल्कुल थी उन्हें क्यों नहीं महफूज किया इसलिए कि उस वक्त अगर कोई किताब के साथ हेरा फेरी करता था ना तो वक्त का पैगंबर मौजूद होता था बुखारी मुस्लिम हदीस है कि बनी इसराइल की सियासत जो थी ना वो भी अंबिया के हाथ में थी कोई भी नबी उस वक्त तक फौत नहीं होता था जब तक कि वो अपने हुकूमती मामला को अगले नबी को ट्रांसफर ना करते तो आप इमेजिन करें कि हर वक्त पैगंबर मौजूद हो दुनिया में कोई डंडी मार ही नहीं सकता कोई तशरी भी गलत करेगा तो लोग कह के पैगंबर से फैसला करवाते हैं तो इख्तलाफ के चांसेस ही खत्म है अगर अब अल्लाह ने ये डिसीजन किया कि पैगंबर मैंने कोई नहीं भेजना तो इसका मंतकी नतीजा ये था कि अब किताब फिर महफूज होनी चाहिए क्योंकि अगर अब किताब बदल गई तो हदायत तो खत्म हो गई सारे जनती हो गए क्योंकि अल्लाह के हजूर आप मुकदमा जीत जाएंगे कि मुझे क्या पता था मैंने जिस जमाने में आंख खोली उसमें तो ईया का न इया का, का नस्त के साथ यानी मदद भी लिखा हुआ था या शेख अब्दुलकाजा जलानी मदद भी लिखा हुआ था आप कोई कह सकते हैं नहीं जनाब जो पुकारते हैं ना उन्होंने भी आशिए में लिखा होता है कुरान में नहीं दाखिल कर सकते तो अल्लाह ताला ने इस किताब को महफूज इसलिए किया चूंकि पैगंबर अब कोई नहीं आना था अदरवाइज किताबें तब्दील हो जाती जिस तरह अगली हुई थी ये किताब भी तब्दील हो जाती तो फिर तो अल्लाह तला के हजूर हम कोई ना कोई मुकदमा अपना पेश कर सकते थे कि या हम तक तो बात ही सही नहीं पहुंची तो अल्लाह तला ने इस कुरान को महफूज किया और यही वजह है कि नबील इस्लाम का जो दावा नबूत है ना उसके ऊपर जो सबसे बड़ी दलील है आप इस्लाम का सबसे बड़ा जो मुजजा है जो हम हर वक्त दुनिया को पेश कर सकते हैं वो अल्लाह की किताब है नबील इस्लाम की मुबारक जिंदगी में आपके जो फिजिकल फिनमिना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले मोजात थे जिनमें से एक ही मोर्जा ऐसा है जो लोगों के सामने जाहिर हुआ नबूत की निशानी के तौर पर बुखारी मुस्लिम मैया वो चांद दो टुकड़े हुआ यह एक निशानी थी जो लोगों के सामने थी बाकी आपको जितने मोजात मिलते हैं ना वो नबीस्म के इस तरीके से चैलेंज करके कोई दिखाने वाले मोजात नहीं थे सफर में पानी कम पड़ गया बुखारी मुस्लिम मैया नबीसलाम ने एक प्याले में उंगलियां रखी और चश्मे जारी हुए पंद्रह सौ साहबा ने पानी पिया भी जानवरों को पिलाया स्टोर भी कर लिया और जाबिर मन अब्दुल्ला के हैं बुखारी मुस्लिम में कि हम एक लाख भी होते ना तो वो पानी इससे भी ज्यादा था लेकिन इसकी बुनियाद पर नबी इस्लाम ने किसी को बुलाया नहीं कि देखो मैं एक प्याले में से एक लाख बंदे का पानी निकालने लगाऊं मुझ पर ईमान ले आओ वैसे आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो पेश की जा सकती थी लेकिन नहीं ये क्यों नहीं था इसलिए कि अल्लाह तला ने तय कर लिया कि मैंने अपने नबी का जो मोजा पेश करना है ना वो ऐसा मोजा दावे नबूत वाला पेश करना है जो नबी के पूरे जमाने के लिए वेरीफाइएबल हो और वो कुरान ही है नबीस्म के अपने जमाने में भी यही कुरान था आज भी है आप पुराने मोजे आज के लोगों को कैसे दिखा सकते हैं यानी मैं दिखा सकता हूं किसी को उंगलियों से पानी के चश्मे निकलते हुए नहीं दिखा सकता कोई वीडियो मौजूद नहीं है जो रिकॉर्ड है वो तो हमारा क्लेम है ना हदीस का वो तो नहीं वो मानते लेकिन हम कुरान पेश कर सकते हैं अब आप सोचेंगे कुरान कैसे पेश कर सकते हैं पहली दलील तो हम ये देंगे कि कुरान अल्लाह तला ने महफूस किया देख लो इसमें कोई फर्क नहीं है कलमी नुस्खे मौजूद हैं कुरान के मुख्तलिफ म्यूजियम्स के अंदर जिनमें काफरों के म्यूजियम भी है कार्बन डेटिंग हो जाती है आपको पता है चंद साल पहले इंग्लैंड के म्यूजियम के अंदर भी एक ऐसा नुस्खा निकला जो हजरत उस्मान गनी रजील्ला के दौर का था सूरत ताह की आयात थी और बाकी सूरतें थी चांद एक और कोई फर्क नहीं है उसमें इवन काफिर भी ये मानते हैं कि जो मुस्फ उस्मानी है जिसके ऊपर इतफाक है पूरी उम्मत का सुन्नी हो शिया हो वो पूरी दुनिया में एक ही है और ऐसी हिफाजत है कि आप इंडोनेशिया का मुसलमान उठाएं उसे कहें कि के सुर फातिहा पढ़नी शुरू करें अलहमदिल्ला रब आलमीन और अफ्रीका के मुसलमान को कहें कि के अगली आयत पढ़ वो पढ़ेगा और रहीम फिर रशिया के मुसलमान को कहें इससे अगली वाली पढ़ वो कहेगा मालिक यदीन और कोई दो मुसलमान किसी भी एतबार से इख्तलाफ नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा मोजा है तो अल्लाह तला ने क्या तक के लिए मौजा रखा कुरान ताकि नबील इस्लाम की नबूत क्यामत तक के लिए जस्टिफाई हो कि कुरान हकीम को आप किसी भी दौर के टेस्ट के ऊपर पेश कर सकते हैं उस जमाने में अरब के लोगों को अपनी जुबान पर बड़ा नाज था कुरान वो कलाम है जिसको सुनकर शौरा ने अपने कलाम फाड़ दिए कि इस तरह का कलाम हम नहीं लिख सकते और ये टेक्निकल चीज़ें वो हैं जो सिर्फ अरबी लिंग्विस्टिक जानने वाले ही और उसमें भी जो लोग अदब से वाकिफ है वो आम अरबी जानने वाले नहीं ये वो एस्पेक्ट है जो हमारी आंखों से ओझल है हम अजरमी नहीं समझ सकते इवन अरबियों में भी वो लोग समझेंगे जिनका शगफ है इसके साथ लेकिन ये चीज कि कुरान महफूज है कुरान का दावा था कि इस किताब में ना बातिल आगे से दाखिल हो सकता है ना पीछे से ना दाएं से ना बाएं से सूर्य हामि सजदा में आया और यहां पे आया कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं तो हमें हिफाजत तो नजर आ रही है कोई फर्क नहीं है कोई लेकर आए उसका कोई दूसरा और दिखाए हमें देखें जी ये है जिसे मुसलमान मानते हैं एक तो यह जो किरात के इख्तलाफ है वो इख्तलाफ का लफ्ज उसके लिए गलत है वो सात किरातों में कुरान नाजिल हुआ इख्तलाफ डिस्प्यूट के मानों में नहीं है ये इख्तलाफ सात किरात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया लेकिन जो दुनिया में यह चल रही है किरात ये वो किरात है जो कि पोरेश वाली किरात है जिसे हजरत ऊनी रजी अल्लाह ने रिटर्न में बाकी रखा बाकियों के नुस्खे जलवा दिए सही बुखारी में आता है लेकिन नसल दर नसल वो किरात भी चल रही है इस वक्त अफ्रीकन कई मुल्क हैं जिनमें दूसरी किरात भी जो है वो पढ़ी जाती है और वो आपने अक्सर यहां भी सुनी होगी कि वो इस अंदाज में जिस तरह डायलैक्ट हमारे भी मुख्तलिफ हैं एक पंजाबी पोटोहार की है एक पंजाबी लाहौर वाली साइड की है एक पंजाबी जो है वो सियालकोट की है फैसलाबाद की है थोड़े थोड़े अल्फाज के फर्क से जो है वो बात एक ही है हम बोलते हैं इधर आ पिंडी वाले बोलते हैं इधर आ तो अब पेश का फर्क आ गया ना लेकिन लफ्ज वही है बोलने का अंदाज डिफरेंट हो गया कुरान में भी एक किरात के अंदर माल ही की यह है एक किरात में मालिक ही यह उम्मीदीन है उसमें मीन के ऊपर जबर है खड़ा जबर नहीं है और जेर का फर्क भी है एक किरात में लकत जाम रसूलिनफूसी कुम है एक किरात में अलफासी कुम भी है अनफूसी कुंभ अनफासी कुम अनफूसी तुम्हारी जानों में से एक पैगंबर आया। अनफासिकुम तुम में बेहतरीन नफीस तरीन शख्स आया बक्त दोनों माने नबी इस्लाम के केस में दुरुस्त है तो ये किरात का इख्तलाफ अपनी जगह इख्तलाफ नहीं है डिस्प्यूट नहीं है सात किरातों में कुरान हाजिर हुआ है लेकिन ये जो किरात पूरी दुनिया में चल रही है इसी में ही हिफ्स किया जाता है और आगे ट्रांसफर इस तरह के मामला होते हैं उस किरात को बस एक किरात के फन के तौर पर जरूर जिंदा रखा हुआ है सबाशरा का कोर्स भी करके कुर हजरा आते हैं जो वुहा व लईली इदा सजा उसे पढ़ते हैं व लईली इदा सजे हम पढ़ते हैं सजा व सजे लेकिन माना वही है वो बोलने का अंदाज है ठीक है जिस तरह आप सरायकी तर्ज में जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो आपको पंजाबी जरा डिफरेंट लगेगी हमारी वाली पंजाबी जरा डिफरेंट लगेगी लाहौर वालों की पंजाबी बिल्कुल डिफरेंट है फैसलाबाद वालों की आप पंजाबी देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है वो हमें सुन के पता चल जाता है किस इलाके की पंजाबी है लेकिन सारों के लिए पंजाबी का लफ्ज बोला जाता है तो कुरान हकीम की वो किरात का जो इख्त है वो इसे इस एतबार से कोई मशकूक नहीं बनाता क्योंकि अक्सर लोग इसको पूछ भी रहे होते हैं मैंने इसके ऊपर कई एक वीडियोज भी रिकॉर्ड करवाई है मॉडर्न दौर के अंदर दि शाम का एक राइटर है उस्मान ताहा जिसे सऊदीया वालों ने हायर किया था आलमोस्ट कोई चालीस तीस चालीस साल पहले उसने मुसफ लिख के दिया मुख्तलिफ मुसफ लिखवाए थे सऊदी अरब वालों ने शाह फहद जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्होंने ये जो हमारे हाथ में ये ब्लू वाला कुरान है जो आपको मस्जिद नबी में बैतुल्ला शरीफ में मिलता है ये भी उसका ही लिखा हुआ है ये ब्लू बाइंडिंग से सऊदीया से शाया होता है और यही कुरान रेड बाइंडिंग में ईरान से शाया होता है दोनों पे लिखा हुआ है कि उस्मान ताहा का लिखा हुआ कुरान तो वो कातिब वही है और ऐसे कमाल अंदाज में इसने लिखा है कि अब आप देखें कि इस कुरान के आलमोस्ट 600 से ज्यादा सफात हैं हर सफे के ऊपर आयत मुकम्मल हो रही है इस तरह उसने अल्फाज को एडजस्ट किया है कोई एक सफा नहीं ऐसा कि जिसपे आयत मुकम्मल ना हो रही हो बड़ी मेहनत की है उस बंदे ने कई बार उसे प्रैक्टिस करनी पड़ी कहीं अल्फाज छोटे बड़े करके एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन उसने ये इसकी निशानी है इसे कहा जाता है उस्मान ताहा का मुसफ उस्मान ताहा इसका कातिब भी है और ये मुसफ उस्मानी भी है यानी इज़रतमानी का नहीं रही अल्लाह तो मुसफ जो उन्होंने क्रेश की किरात में बाकी रखा था और पाकिस्तान में जो ज्यादा कुरान चलता है वो ताज कंपनी क्या लिखा हुआ कुरान है वो भी कमाल लिखा है बल्कि उसकी राइटिंग इससे ज्यादा खूबसूरत है मुझे तो वो राइटिंग ज्यादा पसंद आई है इवन सऊदी अरब में भी जब तक इनके पास ये नहीं था वो ताज कंपनी के कुरान को अभी पसंद करते हैं हमारे पास जब उनके सफीर आते हैं तो गिफ्ट में ताज कंपनी का वो बड़ा कुरान दिया जाता है क्या वो काते बजे जिसने वो कुरान लिखा है मजा आ जाता है पढ़ने का उसको और यहां पे जितने उफाज है ना वो ताज कंपनी वाले कुरान से ना हिफ्स करते हैं उसे कहते हैं सोलह सत्रों वाला कुरान यानी सोलह लाइनों वाला कुरान है उस कुरान में सोलह लाइनें होती हैं हर सफे के ऊपर हर सफ़े पे आयत तो नहीं मुकम्मल होती लेकिन वो सोलह लाइनों वाला कुरान है और बड़े जबरदस्त अंदाज में जो हमारे जितने भी यहां हाफिज हैं उन्हें उनके दिमाग में भी चल रहा होता है कि ये इस सफ़े पे इस जगह करके आयत आती है ज़ाहिर वो पढ़ पढ़ के ना वो दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाती है चीज़ जो भी आप कुरान पढ़ते हैं मैं भी जो कुरान बार बार पढ़ता हूं मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस सफे पे जाके इस पोर्शन पे वो आयत आती है सफा नंबर ना याद हो लेकिन आइडिया होता है कि मैंने जो पढ़ी थी वो इधर आती है जाके तो इस तरीके से वो लाइनों वाला जो सोलह लाइनों वाला कुरान है सऊदी अरब का जो कुरान है वो पंद्रह लाइनों वाला है लिखा हुआ वा ये वाला ब्लू कुरान यानी दुनिया में चीजें चल रही हैं लेकिन कुरान वही है ये इन्होंने खत नस्क में लिखा है जो हम गोल गोल अल्फाज लिखते हैं लेकिन आप सऊदी अरब में जाए तो उन्होंने जो अपना कुरान है वो ग्रीन बाइंडिंग में है वो चपटे अल्फाज होते हैं उसे क्या कहते हैं जी खत रेहान कहते हैं हाँ चपटे जो अल्फाज लिखे जाते हैं हमें तो वो पढ़ते हुए भी ना जरा दिक्कत होती है जरा वो हमारा पढ़े जाने वाला खत नहीं है लेकिन अरबी उस खत को पढ़ते हैं अच्छा लेकिन उसमें फिर आप देखें उसमें जो खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश ये नहीं होते ये हमारी जरूरत है अरबियों की जरूरत नहीं है हम जब तक मीम के ऊपर खड़ा जबर नहीं होगा ना हम माली की लफ्ज नहीं पढ़ेंगे उनके कुरान पे मीम के ऊपर खड़ा जबर नहीं होगा आम वाला जबर होगा हम उसे पढ़ेंगे माली की यह लेकिन अरबी उसे पढ़ेगा मालिक ये उसे पता है कि इस वक्त यहां पे ये पढ़ना खड़ी जेर नहीं होगी वो लंबा करेगा उल्टा पेज नहीं होगा वहां सीधे वाला पेज डलेगा लेकिन उसे पता है कि लाहू लिखा है ना तो मैंने इसे लाहू पढ़ना है क्योंकि लेंथ डबल हो जाती है उल्टा पेश आम पेज से डबल लेंथ का होता है पढ़ने में खड़ा जबर आम जबर से डबल लेंथ का होता है खड़ा जेर आम जेर से डबल लेंथ का होता है तो उन्हें पता है वो पढ़ लेते हैं वहां पे अल्लाह भी जो लिखा होगा ना उस पे खड़ा जबर नहीं होता ये वाला जबर होता है लेकिन पढ़ेंगे वो अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ेंगे जबर को छोटा नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होती है इसलिए ये जबर जेर और ये पेश वैसे तो अरबियों को वो वाले जबर जेर पेश की भी जरूरत नहीं है हमें उर्दू में क्या जबर जेर पेश की जरूरत पड़ती है जिन लोगों को उर्दू आती है हमारा बच्चा भी दाल नून लिखा होना तो दिन पड़ेगा बच्चा भी इसे दोन या दान नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे पता है ना दान कोई लफ्ज है ना दोन कोई लफ्ज है और अगर कोई अल्फाज हो भी तो वो जुमले से पता लगा लेता है कि ये लफ्ज मैं है या मे है अब मुझे बताए मे और मैं एक जैसे लिखे जाते हैं क्या और किया एक जैसे लिखे जाते हैं हम जुमले से अंदाजा लगा लेते हैं कि मैंने इसको क्या पढ़ना है या किया पढ़ना है हाँ लेकिन जिन लोगों को उर्दू नहीं आती उन्हें तो सिखाना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पे क्या है ये किया है इसी तरीके से अरबियों को कोई मसला नहीं है वो मुसफ को बगैर जबर जेर पेश के पढ़ सकते हैं कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है और इसी तरीके से जिन लोगों ने जुबानी कुरान याद किया हुआ है उन्हें चाहे अरबी लिंग्विस्टिक ना भी आती हो हमारे उफाज को अरबी किधर आती है अरबी प्रोनाउंस करते हैं अरबी लैंग्वेज उनको नहीं आती है उसकी उठान क्या है अरबी की डिक्शनरी क्या है इसके बावजूद आप देखें वो बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं उलमा गलत पढ़ देते हैं जिन्हें अरबी का तर्जमा भी आता है जिन्हें अरबी लिंग्विस्टिक भी आती है वो गलत पढ़ देते हैं कारी हजरा जो हफाज हैं जिन्हें सही कुरान आता है वह लफ्ज को गलत नहीं पढ़ते क्यों उन्होंने अपनी क्रैमिंग से याद किया हुआ है जिस तरह हमने सूर्य फात्या या कुरान की जो सूरतें हम फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं वो हमने कैसी याद की हुई है हमें तो कोई गलती नहीं लगती उसमें सूरतुल में कभी नहीं ऐसा होगा कि आप पांचवीं आयत की जगह चौथी पढ़ दें वो जुबान पर चढ़ेगी नहीं अगरचे किसी को उसका माना ना भी आता हो वो उसने उसी तरीके से उसे क्रैम किया हुआ है और ये कुरान में जो अल्लाह तला ने एक डिवाइन म्यूजिक मलाकूती गना जो रखा जो इसमें एक वजन है जिसकी वजह से कुरान को आप तर्ज लगा के पढ़ भी सकते हैं ये इसी वजह से था ताकि अरब के लोग इसे जुबानी याद करें अगर ये नसर में होता ना तो इस तरीके से चीजें याद ना होती और कुरान का ये वजन इसकी हिफाजत इस तरह करता है कि आप किसी एक आयत को उठा के दूसरी सूरत में फिट भी निकाल सकते वो आयद बोलेगी कि मैं इधर की नहीं हूं कई सूरतों में भी एक से ज्यादा कई वजन आ जाते हैं लेकिन वो जब वजन चलते हैं तो फिर एक जैसे चलते हैं तो इस वजन ने ना सिर्फ इसमें खूबसूरती पैदा की है कि आप तर्स भी लगा सकते हैं बल्कि हिफाजत भी की हुई है अब ये अरबी लिंग्विस्टिक की जो जितनी चीजें हैं ये तो जो अरबी अदब के जानने वाले लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कुरान में ये इस तरह इस तरह आज के जमाने में क्या हो सकता है आज के जमाने में कुरान को आप साइंस के टेस्ट से गुजारें साइंस वो जो स्टेब्लिश है जो सिर्फ थ्योरीज हैं कंफर्म नहीं है उनकी मैं बात नहीं कर रहा या अभी इवॉल्व हो रही है तो कई एक ऐसी चीजें जो कुरान में बयान हुई हैं जिस तरह मां के पेट में बच्चे की जो परवरिश है वो किस तरह होती है किन स्टेजेस से ये तो हमें आठ से तकरीबन साठ सत्तर साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुई है तो पता चला है लेकिन कुरान में जो तरतीब उसकी बयान हुई है सूर अलहज में सूरतमून के अंदर कि किन स्टेज से गुजरता है ये वो चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं हर जिंदा चीज का पानी से पैदा होना जो कुरान बयान करता है ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो इस्टेब्लिश हैं वो कुरान हकीम में सिर्फ इसीलिए हैं कि कुरान अल्लाह का कौल है और ये कायनात अल्लाह का फेल है कुरान और मॉडर्न साइंस इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है हदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर तो कई एक मेरी वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं इस हवाले से मैंने डिस्कशन की हुई है और अब जो मैथमेटिक्स के शौकीन लोग हैं उन्होंने तो कुरान के अंदर से बहुत कुछ निकाला कुरान में जो आसमान का लफ्ज असमा आया है ना जितनी दफा उतनी दफा अलअर्द आया ये कितना बड़ा उसने इतफाक है इसका मतलब है कि अगर कहीं पर कोई हेरा फेरी हो तो पकड़ी जाएगी इसी तरीके से पानी और खुश्की का जो जिक्र आया है वो उसी रेशो प्रोपोर्शन से आया है जितना इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर पानी और खुशकी का रेशो प्रोपोर्शन है 67 परसेंट ऑलमोस्ट पानी है और 33 परसेंट खुशकी है इस तरह की कई एक मैथमेटिकल चीजें हैं उसके लिए आप हारून या तो उनका कलमी नाम है अदनान अख्तर नाम है टर्की के एक स्कॉलर है उन्होंने कई एक वीडियोस बनाई हैं वैसे वो और बेहुदा काम भी करता है लेकिन ये काम उसने बड़ा अच्छा किया है किताबें भी लिखी हैं और कई एक वीडियोस है कुरान के जो आप समझ लें बीसवीं इक्कीसवीं सदी में जो चीजें हमारे सामने आई हैं मोहजाद की शक्ल में वो उसने बताई है कि देखो ये चीज कुरान हकीम में पहले की लिखी हुई थी और ये अब आके पता चली है ये इस बात का सबूत है कि कुरान का सोर्स डिवाइन है और फिर कुरान की वो चीज तो सारे ही टेस्ट फील कर सकते हैं जो कुरान की गुफ्तु का स्टाइल है जो इसके अंदर कॉन्फिडेंस है जिस एतम से कुरान में गुफ्तु हुई हुई है ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता इंसान की लिखी हुई किताब इस तरह नहीं होती है उसमें बाकायदा चैप्टर्स इस अंदाज में होते हैं कि वो इन चीजों का ख्याल रखता है कि मैंने पहले यह चैप्टर डालना है फिर यह डालना है फिर यह डालना, डालना है और फिर वंस अपॉन्ट टाइम से लेके एक पूरी एक स्टोरी के तौर पे बयान करता है कुरान इस तरह की किताब नहीं है यही वजह है कि कुरान को आप कहीं से भी खोलें आपकी हदायत के लिए काफी है कुरान को आप कहीं से भी लें आगे पीछे से उसका जो जिक्र दूसरी जगह पे है, वो ना भी आपको मालूम हो तब भी आपकी हदायत के लिए अच्छा खासा हिस्सा मुयसर होता है आपको एक दफा हिला के रख देती है वो बात अगर इस तरह के रब्त हम तलाश करना शुरू करें तो फिर तो कुरान पाक आप जब तक स्टार्ट से एंड तक नहीं पढ़ेंगे आपको बात नहीं समझ आएगी कुरान तो कहीं ये नहीं कहता तीसवें पारे में आप देख लें छोटी छोटी सूरतें हैं मुकम्मल एक टॉपिक्स हैं ये कुरान के तारुफ में बताया था कि ये अल्लाह तला के खुतबात हैं परफेक्ट खुतबे हैं एक सौ चौदह तो ये जो टेस्ट है वो आप फील कर सकते हैं कुरान कितने अतमाद के साथ गुफ्तु करता है कई नॉन मुस्लिम जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है ना अंग्रेजी में सबका जो कॉमन एक्सपीरियंस है वो यही है कि इस किताब का स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है इसका बात करने का कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट है पूरे वसूख के साथ ये किताब बात करती है हमें चाहिए करना चाहिए इस तरह नहीं है ये करोगे तो ये होगा और ये किया तो ये हो जाएगा ये इंसान को इस तरीके से बात कर ही नहीं सकता ये वो टेस्ट है जो हर बंदा फील कर सकता है बशरते के कुरान को अच्छे तरीके से तर्जुमा किया हो अल्फाज का चुनाव अच्छा हो मेरे नजदीक मौलान मुदूदी रही ने जिस तरीके से कुरने हकीम को उर्दू में ट्रांसलेट किया है उन्होंने वो अरबी जुबान का सोजो गुदाज ट्रांसलेट किया जी जहां कहीं ब्रैकेट्स उनको लगानी पड़ती हैं इस वजह से कि अरबी तो वर्स्टाइल जुबान है उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए बाजुकात आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं ताकि वो जुमला सीधा हो जाए लेकिन अरबी जुबान में वो जुमला उसी तरीके से बोला जाता है अब उर्दू जुबान में तो बड़ा जुल्म है ना कि आप तर्जुमा लोगों को यह बताएं कि हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमतुल्ल आलमीन बनाकर तमाम जहानों के लिए या तमाम जहान वालों के लिए बेलफ्ज तो तर्जमा यह दुरुस्त है लेकिन उर्दू में तो हम इस तरह नहीं बोलते उर्दू में हम यूं बोलेंगे कि हमने आप वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है लेकिन लफ्जी तर्जमा वही होगा कि हमने नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम जहान वालों के लिए अरबी में जब इस तरीके से गुफ्तु होती है वह गुफ्तगु में वजन के लिए और यह नॉर्मल गुफ्तगु है अरबी में तो यह ठीक है लेकिन उर्दू में हमें अल्फाज का चुनाव ऐसा करना चाहिए कि वो आप उर्दू में उसका सोजो गुदास फील कर सके उसके लिए फिर आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं बात अल्फाज को सीधा करना पड़ता है मैं भी यहां पर बिल लफ्ज तर्जमा नहीं करता हूं बिलमफहूम करता हूं क्योंकि मैं उर्दू में बात कर रहा हूं लिहाजा याद रखें कि कुरान का कोई भी तर्जुमा वो कुरान का तर्जुमा जरूर है उसे आप कुरान नहीं कह सकते रखिएगा क्योंकि गलती के चांसेस हैं इसीलिए हमारा ये मौक़फ़ है और इतफाक है कि कुरान का सिर्फ तर्जुमा नहीं प्रिंट करना चाहिए जब भी करें अरबी लिखे ऊपर नीचे तर्जुमा या एक सफा अरबी वाला दूसरा उर्दू वाला जिस तरह मौलानी का तर्जु उन्होंने प्रिंट किया एक तरफ अरबी एक तरफ उर्दू ताकि अगर सिर्फ किसी ने उर्दू पढ़ना हो पढ़े यह नहीं किया कि अरबी को गायबी करते क्योंकि उर्दू तर्जमा बरल एक इंसान की कोशिश है बाजुकात अल्फाज का चुनाव ऐसा होगा कि आपको अरबी की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई ये लफ्ज लिखा भी हुआ था मसल मां के पेट में क्या है ये लोगों ने ब्रैकेट में खुद ही डाल दिया नारा या मादा वो मुसीबत बन गया है हमारे लिए कुरान में तो नहीं लिखा हुआ था कुरान में तो अल्लाह तला ने बदबक या खुशबकत होने की बात की हैल्लि खाला का कुम फमिन कुम काफिर वही है जिसने तुम्हें पैदा किया पैदा करने वाला एक है लेकिन कोई तुम में से काफिर हो जाता है कोई मोमिन होता है ये अब अल्लाह को पता है कि ये बच्चा जो पैदा होगा ये काफिर होकर मरेगा या मोमिन होकर मरेगा पैदा तो वो फितरत पे होगा लेकिन बाद में कहां पे जाएगा वो लिहाजा कुरान के भी सिर्फ अरबी टेक्स्ट की गारंटी है उसमें कोई रद्दबदल नहीं होगा तर्जमे में तफसर में लोग डंडी मार सकते हैं कई लोगों ने मारी है हमने पकड़ी है एक जगह उन्होंने हाजरो नाजर तर्जमा कर दिया दूसरी जगह उन्होंने उसका तर्जमा गवाह कर दिया पकड़े गए यह तो एक ऐसा टॉपिक है इसमें एक घंटा और बोला जा सकता है कि कुरान हकीम किस तरीके से अल्लाह तला ने उसे महफूज किया अगर कोई शख्स नेक नीति के साथ अपने आप को कुरान के सामने पेश करते हाँ वो किसी गुमराह फिरके का भी तर्जमा पड़े वह हक तक पहुंच जाएगा गुमराही कितनी भलाई हुई होगी सूर्य फातह का तर्जमा तो गलत नहीं हुआ ना पकड़ा तो जाएगा जिन जिन लोगों ने जहां जहां डंडी मारी है वो उन्हीं के तर्जमे में खुद उन्होंने अपनी डंडी पकड़ ली हुई है दूसरी जगह जाके पता चल जाता है कि यार ये देखो इधर क्या कर दिया इन्होंने ये बात थी असल में और तफसीर बिल्कुल वन एटी डिग्री की होती है पकड़ी जाती है यार कुरान में तो ये लिखा ही नहीं हुआ था इन्होंने क्या इसमें से निकाल लिया और ये ज्यादातर काम किया सूफिया ने और उनके कस्टोडियन इस वक्त बरेलवी और देवबंदी बहुत ज़्यादातर इस तरह के मामला करते हैं शिया के हाथ तो बहुत ज्यादा इस तरह का मामला किया गया लेकिन वहां पर भी अच्छे तर्जमे मौजूद है सईद फरमान अली शाह का तर्जुमा, बिल्कुल सही तर्जमा किया है का नस्तिन का और इवन हाशिए में भी उन्होंने लिखा कि यह आयत वाज सबूत है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए आशिया भी सही लिखे हुआ है मधे की बात है बरेलवियो ने तो फिर भी साथ बुजुर्गों से मांगना साबित किया देवबंदियों ने भी साबित किया शबीर अहमद उस्मानी ने महमूद हसन देवबंदी के तर्जमे में हाशिया लिखा कि जो अलिया से मांगा जाता है वो भी अल्लाह ही की मदद होती है लेकिन शिया ने यह काम नहीं किया प्रैक्टिकली क्या कह रहे हैं मुलादा बात है कुरान अलहमदिल्ला जिसने भी प्री डिटर्म रिजल्ट के बगैर पढ़ा है वो हक तक पहुंच गया लिहाजा ये अल्लाह तला का बहुत बड़ा एहसान है इन्ना नहनु इंदा नजिकरा व इंदा लहूल हाफून अल्लाह ने इस तिक्र को नाजिल किया इसकी हिफाजत फरमाने वाला है इसीलिए सही मुस्लिम में जो हज़तुल वदा की हदीस है 2950 उसमें फाइव इस्लाम उस का जो हज़तुल वदा का खुतबा है उसमें अल्फाज है मैं अपने बातों में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं कि जिसे पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं हो और वो अल्लाह की किताब है मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है हाँ हाकिम में आया है कुरान और सुनत और ज़ाहिर सुन्नत को मानना कुरान को मानना है और जो गदीर खुम का खुतबा है मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले चार अदीस सिक्स डबल टू फाइव से सिक्स डबल टू एट तक वो कुरान की तारीफ में इससे बेहतर अल्फाज और किसी हदीस में नहीं आए ऐ लोगो आगा हो जाओ मैं भी एक इंसान हूं करीब है कि अल्लाह का कासिद मेरे पास आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लू मैं अपने बात तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है वही वह आयता ही जमीला तफर रकू जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा और दूसरी भारी चीज मेरे आहल्ब है मैं अपने अहलुल्ब के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं यह जुमला आपने तीन दफा रिपीट किया फिर बुखारी मुस्लिम अदीस है अब्दुल्ला इबने अभी अवफा से पूछा गया कि क्या इस्लाम ने अपना वसी किसी को बनाया था उनका सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने हमें कुरान के मुताबिक चलते रहने की वसीयत की थी ये है वसी बुखारी मुस्लिम हदीस है इस्लाम जब भी खुतबा देते मुस्लिम में तो तफसील के साथ है दो हजार पांच नंबर हदीस तो यही कहते हैं अम माबाद फिन खैर हदीस किताबुल्ल व खैीर हदी हदी महम्मदिन सल्हुस आगा हो जाओ सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है सबसे हदायत याफ़्ता रास्ता मोहम्मद वसल्लम का है बदतरीन काम वो हैं जो दीन में ख़ुद से दाखिल किए जाएं ये काम बिदतें हैं तमाम बिदतें गुमराइयाँ हैं और तमाम गुमराइयाँ जहन्नम में ले जाने वाली हैं पिछले दिनों जो स्वीडन में कुरान की गुस्ताखी हुई तो उस कॉन्टेक्सट में मैंने तफसली वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी जिसे और मवाद चाहिए हो तो वह इस हवाले से देख लें बाकी ये आयत इस चीज़ की मताज़ी थी कि हम इसके ऊपर तफसीली गफ्तू करते इसलिए मैंने इसे तफसील के साथ बयान किया कोई तशनगी इस हवाले से बाकी ना रह जाए अल्लाह तला से दुआए जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो हमारे दिलों से उसे धो डाले हमें माफ़ भी कर दे हमें किताबोसनत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी किताब फ़रमाए सुबहानक हम दिक اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا